जिसने मजबूत इरादों से अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया, आज ऐसे महान व्यक्ति स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ पत्रकार मुस्तफ़ा हुसैन और कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक खताबिया। आज फिर हम हाजिर है एक नए मुद्दे को लेकर। हाल ही में मालवा के किसानों ने अतिवृष्टि बाढ़ के बाद दीपावली मनाई। फसल बीमा मुआवजा और राहत राशि न मिलने के बावजूद मालवा के किसानों ने गोवर्धन पूजा की, लेकिन मालवा और मेवाड़ की आबोहवा में इस समय नई अफीम नीति का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक ज़माना था, आपको याद होगा, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, तब मालवा में बीजेपी अफीम किसानों की सबसे बड़ी हिमायती पार्टी मानी जाती थी। जब कभी स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे आह्वान करते थे तो नीमच मंदसौर की सड़कों पर हजारों अफीम किसान उनके पीछे लामबंद दिखाई देते थे। वे हमेशा अफीम किसानों के भले के मुद्दे उठाते रहे और केंद्र में उसके लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के ही सांसद हैं, लेकिन अफीम किसान नाखुश है। नई अफीम नीति को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। हाल ही के घटनाक्रम में इस मुद्दे को और हवा तब मिली जब भाजपा के प्रदेश महामंत्री और किसान नेता बंशीलाल गुर्जर ने एक चिट्ठी केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखी। इस चिट्ठी में वे अफीम किसानों के बड़े पैरोकार बनकर सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि नई अफीम नीति किसानों के हक में नहीं है। उसमें उन्होंने यह भी लिखा कि जब ठोस आधार पर सरकार अफीम किसानों से खरीदती है तो उसमें मार्जिन परसेंटेज का सवाल कहाँ उठता है, क्योंकि मार्जिन परसेंटेज तो लिक्विड फार्म में पता लगाया जाता है। दूसरी खास बात उन्होंने लिखी कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे किसान यह पता लगा सके कि उसकी अफीम में कितना मार्जिन परसेंटेज है, क्योंकि उसके लिए कोई तकनीक या कोई ट्रेनिंग केंद्र सरकार ने कभी अफीम किसानों को दी ही नहीं। तीसरी खास बात उन्होंने उठाई कि जो अफीम है उसका जो मूल्य है, वो जो सरकार 6000 रुपये देती है, 6000 रुपये एक किलो अफीम को इकट्ठा करने में लग जाते हैं, तो अफीम की सरकारी खरीद का भाव बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और नीमच मंदसौर संसदीय सीट पर बीजेपी के सांसद है, ऐसे में भाजपा के ही एक कद्दावर नेता नई अफीम नीति को लेकर आक्रोश जाहिर करते हैं। इससे साफ तौर पर दिखाई देता है कि किसानों में कितना बड़ा असंतोष नई अफीम नीति को लेकर है। मालवा और मेवाड़ का किसान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि मार्जिन परसेंटेज के आधार पर अफीम के पट्टे दिए जाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में अधिकांश किसानों के पट्टे कट जाएंगे। जिनके इस समय बच गए हैं उनके अगले फसल सत्र में कट जाएंगे। तो एक दिन ऐसा आएगा जब अफीम की खेती ख़त्म हो जाएगी। तो यदि अफीम की खेती ख़त्म करनी है तो सरकार को एक सिरे से कह देना चाहिए कि वो खेती नहीं कराना चाहती। दूसरी खास बात यह है कि किसानों को सरकार मात्र 6 आरी के पट्टे दे रही है, जबकि 6 आरी को रख रखाव और सुरक्षा का खर्च जो बैठता है, वही खर्च 20 आरी के सुरक्षा और रख रखाव का बैठता है। ऐसी स्थिति में 6 आरी का पट्टा लेकर किसान घाटे का सौदा कैसे करें। तीसरी खास बात यह है, डोडा चूरा को लेके भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि डोडा चूरा की सरकारी खरीद बंद है, उसको जलाने के आदेश है लेकिन सरकार जला नहीं रही, 3 साल हो चुके हैं। चौथी चीज़ है जो अफीम का बीज यानी जो पोस्ता दाना है, पोस्ता दाना को लेकर भी असमंजस है, क्योंकि राज्य सरकार ने 3 साल पहले पोस्ता भूसा नियम विलोपित कर दिया। उसी पोस्ता भूसा नियम का एक उपनियम जो था, उसके तहत किसानों को पोस्ता दाना छाने
पोस्ता दाना छानने के लाइसेंस दिए जाते थे, लेकिन पोस्ता भूसा नियम विलोपित होने के बाद पोस्ता दाना छानने के लाइसेंस मिलना बंद हो गए। और उसी का परिणाम है कि मंदसौर में पूरी तरह भारतीय पोस्ते की लेवाली का काम ख़त्म हो गया। वहाँ पर अधिकांश कारोबारी टर्की और चाइना का पोस्ता बेचते हैं, जबकि मात्र नीमच और जावरा ऐसी मंडी है जहाँ पे भारतीय पोस्ते की लेवाली होती है। तो कुल मिला के यदि हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो पोस्ता दाना हो, डोडा चूरा हो या अफीम के पट्टे की बात हो, हर स्तर पे जो पॉलिसी है वो किसानों के विरोध में है, जिससे किसानों में खासी नाराज़गी है। क्योंकि अधर झूल के अंदर किसान अफीम की खेती कैसी करें? एक तरफ जहां NDPS के कड़े प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है, उसमें किसानों को लेकर भारी सख्ती है, तो दूसरी तरफ खेती करने में भी किसानों पे शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। इन दिनों जब कभी भी हम लोग गांव में गए, किसानों से रूबरू हुए, तो किसानों ने साफ तौर पर कहा कि हमारी हिमायती पार्टी की केंद्र में सरकार होने के बावजूद अफीम किसानों को कोई राहत नहीं मिली। इस बार किसान का ये कहना है कि हम मन बना चुके हैं कि अफीम पॉलिसी में हर हाल में बदलाव कराएंगे। मंदसौर के किसान नेताओं ने गत दिवस ऐलान भी किया था कि 5 नवंबर को नीमच में नारकोटिक्स का दफ्तर है, उसका घेराव करेंगे और नीमच के दशहरा मैदान से पैदल मार्च निकालेंगे। तो कुल मिला के जो हालात बने हैं वो बड़े गंभीर है। उसका रीज़न यह है कि ये मालवा और मेवाड़ का इलाका है, ये खेती किसानी वाला इलाका है। यहाँ का समूचा कारोबार, यहाँ का धंधा खेती किसानी पर डिपेंड है। जब किसान के पास रुपया नहीं होगा, किसान की आर्थिक हालत बेहतर नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर बाज़ार के हालात भी ठीक नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में यह सोचना आवश्यक है कि किसानों की स्थिति बेहतर कैसे की जाए। एक तरफ जहां मालवा के लिए कहा जाता था, मालवा भूमि गहन गंभीर, पक पक रोटी डग डग नीर, वहीं दूसरी तरफ मालवा के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। किसानों में इसको लेके भारी आक्रोश है और जो लोग सरकार में इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन पे उनका दायित्व है कि इन सारे मामलों को लेके सरकारों से बात करें और किसानों की जो समस्या है उसका निराकरण करें। धन्यवाद।